अगली खबर भी बिहार से ही है। बिहार में एमएलसी चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी में तो सीटों को लेकर बंटवारा हो गया, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस से किनारा कर अकेले ही चुनाव में उतरने का फैसला किया है। हम लोगों ने पहले ही, हम लोगों का था, हमारी पार्टी का था कि एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। लगता है बिहार में विपक्ष के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार उपचुनाव में भी आरजेडी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर अकेले ही अपने बूते पर चुनाव लड़ा था और एक बार फिर से एमएलसी चुनाव में अकेले ही उतरने का ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया। हम लोगों ने तो पहले से ही प्रत्याशी जो है घोषणा हम लोग कर ही दिए हर जगह। कांग्रेस के साथ तो हम लोगों का, हमने केंद्र में उनको सपोर्ट दे ही रखा है। जब बाई इलेक्शन बिहार का था तब हम लोग चाह रहे थे कि एमएलसी वाला और बाई इलेक्शन वाला जो है बात तय हो जाए, लेकिन अब उधर से क्या आया नहीं आया इस पे तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। हम लोगों ने पहले ही, हम लोगों का था, हमारी पार्टी का था कि एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस से दूर होती आरजेडी युवाओं को रोजगार के नाम पर नीतीश को चारा फेंकती नजर आई। दरवाजा हम सब के लिए खोल कर रखना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी आना चाहते हैं तो आए, लेकिन अगर रोजगार का बात करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का बात करेंगे तभी हम उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। उधर एनडीए में एक बार फिर से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए नजर आई। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों में बीजेपी 13 सीट पर और जेडीयू 11 सीट पर लड़ेगी। बीजेपी ने अपने कोटे से एक सीट पारस ग्रुप को दी है। जीतन राम मांझी की हम और वीआईपी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। जेडीयू विधान परिषद चुनाव में 50-50 फॉर्मूले की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने 13-11 पर उसे मना लिया। लेकिन बिहार में महागठबंधन में पड़ी दरार और बड़ी होती दिख रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।